सो है फ्रेंड्स, वेलकम एवरीवन। सो फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन आज के वीडियो हम लोग करने वाले हैं। सो एज वी ऑल नो, एसबीटीयू कानपुर की काउंसलिंग में जो हम लोग स्टार्टिंग में राउंड वन में मतलब जो भरे होंगे, राउंड थ्री तक फिर हम लोग मतलब वो चॉइस पहले हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। ताकि हम लोग बताया राउंड टू के रिजल्ट आने के बाद वो चॉइस पहले हम लोग की मतलब चेंज नहीं हो रही है। ओके, तो ना तो राउंड वन में हुई थी और ना तो राउंड थ्री के बाद होगी, ना तो राउंड वन में हुई थी और ना तो राउंड थ्री में होगी। ओके, मतलब चॉइस फिलिंग चेंज नहीं हो रही है। आपको इसके बारे में मतलब नॉलेज नहीं थी तो यार बहुत ही सैड न्यूज़ है आपके लिए, क्योंकि मतलब आप चॉइस फिलिंग नहीं चेंज कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर आप पेंट, प्लास्टिक और लेदर और जैसी टेक्नोलॉजी भर देते हैं, अगर आपको मिल जाती तो आप लोग इंटरनल साइडिंग राउंड के लिए मतलब जा सकते थे। मतलब आप लोग कॉलेज में रिपोर्टिंग करते हैं, वहाँ पे आपकी ब्रांच उसके अकॉर्डिंगली चेंज हो जाती है। एंड एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत से स्टूडेंट्स का क्वेश्चन रहता है इंटरनल साइडिंग ऑफलाइन होगी या ऑनलाइन होगी। तो इंटरनल साइडिंग यार ऑफलाइन होती है, मतलब आपको कैंपस को विजिट करना होता है। ओके, उसके लिए इंटरनल साइडिंग के लिए मतलब आपको कैंपस में जाना होगा, तो वहाँ उसके अकॉर्डिंगली आपकी ब्रांच चेंज होगी। बाकी बस घबराना नहीं है, अभी हम लोग का स्पेशल राउंड बचा हुआ है एसबीटीयू कानपुर का, उसमें मतलब बहुत सी सीट्स वैकेंट रहती हैं। फॉर एग्जांपल लेदर टेक्नोलॉजी में 25-30 सीट्स ऐसे ऐसे करके मतलब वैकेंट रहती हैं। मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में भी मतलब 15-20 सीट्स मतलब वैकेंट रहेंगी। तो बहुत ज़्यादा चांसेस, अगर आपकी कोटा बन रही है तो आपको एक कॉलेज मिल जाएगा आपकी डिजायर्ड ब्रांच में। ओके, एंड फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, एंड फ्रेंड्स एसबीटीयू काउंसलिंग हो गई या यूबीटी काउंसलिंग हो गई, मतलब हम लोग का जो प्लेटफॉर्म गॉन करता है वेबसाइट को, उसका नाम है ई काउंसलिंग सर्विसेज। ओके, आप लोग मतलब पता होगा ई काउंसलिंग सर्विसेज मतलब लिखा रहता है ब्लॉक के ऊपर। फ्रेंड, जैसे कि हम लोग को बताया यूपीटी काउंसलिंग में तो मतलब ढेर सारे कॉलेज होते हैं, बट स्पेसिफिक यहाँ पे एसबीटीयू कानपुर की काउंसलिंग में मतलब एक ही कॉलेज है, अराउंड 26-27 ब्रांचेज हैं, अराउंड 26-27 ही ब्रांच हैं। सो इसीलिए इसीलिए मतलब यही एक रीज़न है कि आप लोग मतलब चॉइस फिलिंग हर राउंड के बाद मतलब चेंज नहीं कर सकते हो, यही है। और यही सीनारी हम लोग को ट्रिपल एम यूटी गोरखपुर में ही मतलब देखने को मिल रहा है। आप लोग मतलब जो स्टार्टिंग में भरोगे 4 राउंड्स के लिए, वही चीज़ मतलब वैलिड रहेगी। ओके सर, अगर आपको कोई भी कोर ब्रांच चाहिए या CSIT ब्रांच चाहिए राउंड 3 में मतलब मिल जाती है तो सही है, वरना इंटरनल साइडिंग के लिए आप वैलिड नहीं हो, आपको फिर स्पॉट राउंड के लिए जाना पड़ेगा। यार जाके आप स्पॉट राउंड में आप लोग अपनी मतलब चॉइस फिलिंग को चेंज कर पाओगे। ओके, मतलब जो आप मतलब जो भी सेट आपको चाहिए मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, फिर वो आप मतलब चेंज कर पाओगे। और अगर प्लीज़ मैं कह रहा हूँ एसबीटीयू कानपुर को अगर हाथ से मत जाने, तो बहुत ही बढ़िया कॉलेज है। अगर आपको प्लास्टिक, फूड, लेदर, बायोटेक्नोलॉजी, ऑयल टेक्नोलॉजी, इसका केमिकल इंजीनियरिंग सब में ज़रा सा ही मतलब इन सब ब्रांचेज में ज़रा सा भी इंटरेस्ट है, तो इसको प्लीज़ स्टॉप पर भर दो, आपको तुरंत मिल जाएगा। मिल जाता तो बहुत ही बढ़िया, मतलब ये सब ब्रांचेज में आपको मतलब ज़रा सा इंटरेस्ट या चाहिए ये ब्रांच, तो प्लीज़ भर देना। ओके, क्योंकि एसबीटीयू कानपुर एज यू ऑल नो नाइटिस के टक्कर कॉलेज है, और ये मतलब बहुत ही पुराने टाइम का कॉलेज है, और इसकी प्लेसमेंट्स इटसेल्फ बताती है कि बहुत ही अच्छा कॉलेज है। ओके सर, राउंड 3 में भी आपको कोई सीट ना अलॉट हो तो आप लोग इंटरनल स्लाइडिंग राउंड के लिए मतलब वैलिड नहीं हो, नहीं जा सकते हो। फिर आप लोग जाओगे स्पॉट राउंड के लिए, सीसैप राउंड के लिए स्पेशल राउंड के लिए, फिर वहाँ जाके आप लोग अपनी ब्रांचेस को चॉइस फिलिंग को चेंज कर पाओगे। ओके सर, वहाँ बहुत ही अच्छे से ढंग से चॉइस फिलिंग करना, मतलब अच्छे जो जो चाहिए हो मतलब सारी ब्रांचेस भर देना, जहाँ अगर आपको टॉप होगी तो मतलब इजीली आपको एक कॉलेज मिल जाएगा। ओके सर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं किसी ने अमेजिंग वीडियो में। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।